क्वेश्चन नंबर वन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, इन ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी जिसके केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा बॉडी का वो लाई करेगा आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी वर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। जैसे मान लो ये रॉड ले ली है, मान लो इसका मास जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे दिस इज द बैलेंसिंग पॉइंट इसका जो होगा। तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर होता है, इसका भी सेंटर ऑफ मास जो है वो विद इन द बॉडी लाई करता है, सिलेंडर का भी, डिस्क का भी, बट जो रिंग होता है, रिंग जो होता है वो बीच में से हॉलो होती है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। सेकंड वन, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज अ एंगुलर मोमेंटम। जो मोमेंट होता है लीनियर मोमेंटम का, दैट इज नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, डायमेंशन फार्मूला फॉर टॉर्क इज। टॉर्क होता है हमारे पास आर क्रॉस एफ, मतलब डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स। तो डिस्टेंस इट इज द केस ऑफ लेंथ, और फोर्स के लिए होता है एम एल टी माइनस टू, तो ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। सो हेयर इन दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, इस क्वेश्चन में हमारे पास डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है मल्टीप्लाई लीनियर मोमेंटम, और दिस इज आर, लीनियर मोमेंट होता है एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, और इट इज द केस ऑफ लेंथ, मास हो जाएगा एम, वेलोसिटी के लिए होता है एल टी माइनस वन। सो यहां पे आ जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। तो हियर इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन रोटेशनल एनालॉगी इज। जो टॉर्क करेगी किसी बॉडी के ऊपर, दैट इज द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ फोर्स। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज क्वांटिटी इज नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिस्टेंस। जो क्वांटिटी जो कि होगी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम और डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर डिस्टेंस हो जाएगा, पी लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो प्रोडक्ट होती है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द टॉर्क। तो टॉर्क होता है इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। इनमें से कौन सी है ऑप्शन करेक्ट होगी जिसके केस में सेंटर ऑफ मास जो है आउटसाइड द बॉडी लाई करेगा। तो पेंसिल, डिस्क और शॉर्ट पुट के लिए विद इन द बॉडी लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, बैंगल के लिए आउटसाइड करेगा, क्योंकि बैंगल में क्या होगा बीच में से वो हॉलो होगी, मतलब वो रिंग टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी बॉडी का वो डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, व्हाइल नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इसके ऊपर डिपेंड करता है।